हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि जाधव, मैं से टीचर आपका स्वागत करता हूं ट्यूटर केबिन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर 3rd, जो एक्सरसाइज है हमारे पास 3.4। चैप्टर का नाम है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 के क्वेश्चन 1st एंड 2nd, जो हमारी एक्सरसाइज होती है 3.4। तो स्टार्ट करने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन को डाउनलोड कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है हमारे पास में फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। फाइंड द प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन बताना फॉलोइंग द इक्वेशन 10x = √3। 10x = √3, यहाँ पर हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन हमें यहाँ पे बताना है, कवर करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास पहले जो है 10x = √3 है, जो हमारा कवर होता है, एक पॉजिटिव नंबर है ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं। यदि देखिए यहाँ पर मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, मेरे पास में 10x = √3 है, जो हमारे पास में क्या है, ये एक 10x √3 विच इज द पॉजिटिव एक पॉजिटिव नंबर दिख रहा है, √3 पॉजिटिव फॉर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। यदि 10x मेरे पास में √3 है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास 10x = 10√3 है, तो ये 10√3 जो होगा मेरे पास में, 10 की वैल्यू किसकी होती है, 60 की वैल्यू होती है। √3 कितना होता है हमारे पास, 60 की वैल्यू होता है। तो 10 60 की वैल्यूज होती है मेरे पास में, यहाँ पे देखिए, छोटा मैं लिख देता हूँ, 10 60 की वैल्यू मेरे पास में √3 होता है। ओके, तो √3 10 60 की वैल्यू होती है। तो यदि हमें इसे पाई की वैल्यूज में रखेंगे, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा कि पाई बाय थ्री करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर पाई बाय थ्री करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यूज कितनी हो जाती है, 180 बाय 3 = हो जाता है हमारे पास में 60। तो पाई बाय थ्री हमारे पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब देखा जाए तो √3 की जो वैल्यूज होगी हमारे पास में, वो एक्चुअली क्या होगी, 10 π/3 क्या हो जाएगी हमारे पास में, 10 π/3 यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी 10 π/3। ओके, अब 10 π/3 और हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट की बात हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, 180 प्लस 60 यानी पाई प्लस, यह हो जाएगा पाई प्लस पाई बाय थ्री, एक और वैल्यूज बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि मेरे पास में क्या हुआ है, वहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं जिसमें पाई हमारे पास इंक्लूड रहता है। तो इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 3π + π = 3 यानी मेरे पास 4π/3 की वैल्यूज आ जाएगी, ये सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हो जाती है। तो इसको हमारे पास में सेकेंड में एक और वैल्यूज बन जाती है, वो होती है 4π/3। दोनों वैल्यूज आ गए हमारे पास में, 10 π/3 10 4π/3। तो ये वैल्यूज तो आ गई हमारे पास में सिर्फ 10x के लिए। अब हम बताना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो होगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन = π/3 और 4π/3। देखो दो वैल्यूज आ गए, π/3 आ गए, 4π/3, ये तो हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हमें करना है जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, हर एक की वैल्यूज होती है। जैसे मैंने बोला है कि sin x = sin y, sin x = sin y, या फिर हो जाता है cos x = cos y, या होता है 10x = 10y। तो हमारे पास यहाँ पे 10x है और ये वैल्यू जो हो जाएगी वो 10y की वैल्यूज हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू जो हो जाएगी वो 10y की वैल्यूज हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि यदि मेरे पास x की वैल्यूज बता देते हैं कि
टेन एक्स प्लस टेन वाई की वैल्यूज देखिए, ये अपने पास में यदि टेन एक्स है और यहाँ पे मुझे इसी के टेन वाई की वैल्यूज बताना है, तो वो हमारे पास में यदि कोसेंट लगाते हैं हम यहाँ पर, तो एन पाई हमारे पास वैल्यूज आ जाती है एन पाई प्लस वाई, एन पाई प्लस वाई, एन पाई प्लस वाई, ये हमारा होता है यहाँ पर एन पाई प्लस वाई जो होता है, जो एन हमारे पास एप्सिलॉन जेड के इक्वल रहता है। ओके, ये वैल्यूज इसलिए क्योंकि हमारे पास टेन एक्स की वैल्यूज दे रखी है। अब यहाँ पर हमारे पास में प्रिंसिपल वैल्यूज दोनों ये, तो हम यहाँ देखिएगा यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे टेन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में है टेन पाई बाई थ्री, ये वैल्यूज आई थी हमारे पास। ओके, यहाँ पर हमें टेन टेन की वैल्यूज है, तो ये हमारे पास वाई की वैल्यूज हो गई है, टेन वाई की वैल्यूज हो गई है। यानी एग्जाम्पल में देखा जाए टेन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना टेन वाई है, तो टेन वाई हो जाएगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पर टेन एक्स की वैल्यूज क्या बताना है, एन पाई प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास पाई बाई थ्री, तो पाई बाई थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन जेड के इक्वल, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज बन जाएगी वो एक्स की वैल्यूज क्या कहलाएगी, वो वैल्यूज कहलाएगी हमारे पास में एन पाई प्लस पाई बाई थ्री, जो एन जो रहेगा वो हमारे पास में एप्सिलॉन जेड के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस के बिना आप सोचे कि क्वेश्चन हो जाएगा, सो ओके, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम तीन बार इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, 100% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में sec x इज इक्वल टू टू, sec x इज इक्वल टू टू, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा यहाँ पर, फर्स्ट और फोर्थ बनेगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास में देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री टेबल में भी बता देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास में sec x इज इक्वल टू टू होगा, तो sec की वैल्यूज हमारे पास में होती है साइन cos tan cos x, मतलब cos, यदि मैं कोस की इसकी वैल्यू होती है वन बाई कोस एक्स होता है, ये टू रहता है। यदि मैं वैल्यूज की बात करता हूँ कि मुझे चाहिए कोस एक्स की वैल्यूज, तो ये वन बाई टू हो जाएगा ना भैया, क्योंकि कोस की वैल्यूज में वन बाई टू हो जाएगा हमारे पास में। तो एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ चुकी है यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यूज को बताने के लिए हमें, क्योंकि क्या है सेक एक्स इज इक्वल टू वैल्यूज को, यदि मैं सेक को वन बाई कोस में बदलूंगा तो इसको टू बाई वन, सॉरी वन बाई टू कर सकता हूँ, राइट। तो यहां पर मेरे पास जो क्वाड्रेंट लिखाएंगे वो लिखाएंगे, देखिए sec x इज इक्वल टू टू टू, सो cos x इज इक्वल टू वन बाई टू, वन बाई टू विच इज पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव फोर फोर फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज आ जाएगी। तो कोस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में है वन बाई टू, वन बाई टू, कोस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है वन बाई टू। अब वन बाई टू किसकी वैल्यूज होती है कोस एक्स ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, बताइए कि कोस एक्स की जो वैल्यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में वन बाई टू किसकी वैल्यूज होती है, तो वो हमारी होती है सिक्सटी की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है हमारे पास में सिक्सटी की वैल्यू होती है, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस सिक्सटी की वैल्यूज होती है, राइट। कोस सिक्सटी की वैल्यू होती है तो इसको हम कर सकते हैं पाई बाई थ्री कर सकते हैं, बना सकते ना, कोस से कोस कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास पाई बाई थ्री आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि भैया यहाँ पर 180 बाई थ्री हो जाएगा, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इसका हमें फोर्थ क्वाड्रेंट बताएंगे, तो इसमें एक और वैल्यू हम क्या करेंगे, पाई प्लस पाई बाई थ्री हो जाएगा हमारे पास, तो पाई प्लस पाई बाई थ्री की वैल्यूज हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पर, थ्री पाई, फोर पाई बाई थ्री हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, अच्छा टू पाई प्लस वो हो जाएगा, टू पाई
माइनस पाई बाई थ्री होगा। कोस की वैल्यूज है, वो कोस हमारे पास में नेगेटिव कन्वर्जन रहता है, तो टू पाई माइनस के पाई बाई थ्री वैल्यूज कवर होती है, तो यहाँ जाएगा हमारे पास पाई पाई बाई थ्री, फाइव पाई बाई थ्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास? फाइव पाई बाई थ्री, क्योंकि फोर्थ और हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं जहाँ पे नंबरिंग चेंज हो जाएगी, जहाँ पे हमने एन पाई प्लस पाई बाई थ्री रखा था वहाँ पे हो जाएगा टू एन पाई हो जाएगा। देखिए कैसे कि यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यूज होगी वो कहलाएगी पाई बाई थ्री और कोस एक्स इजिकल टू कोस सिक्सटी एंड कोस सिक्सटी एंड कोस थ्री हंड्रेड, कोस थ्री हंड्रेड मतलब थ्री हंड्रेड की हम वैल्यू से ये ना भी लिखें तो हमारे पास पाई बाई थ्री और फाइव पाई बाई थ्री की वैल्यूज बन जाएगी। ओके, दोनों कोस में बनेगी ये, तो ये भी मेरे पास में कोस वैल्यू रहेगी और ये भी मेरे पास में कोस की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा मेरे पास में वो कहलाएगा, प्रिंसिपल जो सॉल्यूशन होगा वो पाई बाय थ्री और फाइव पाई बाय थ्री कंप्लीट होता है। अब हमें चाहिए जनरल सॉल्यूशन, जी एन सॉल्यूशन चाहिए। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जनरल सॉल्यूशन जब भी हम बात करते हैं कोस एक्स इजिकल टू कोस पाई बाय थ्री की, तो कोस पाई बाय थ्री में हमारी जो वैल्यूज आती है वो होती है कोस एक्स के लिए, तो वो हमारे पास वैल्यूज आती है टू पाई टू टू एन पाई है टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय थ्री, टू एन पाई पाई बाय थ्री, जो कि एन हमारे पास में क्या रहेगा, एन हमारे पास में एप्सिलॉन जेड रहेगा, जो हमारे पास एन क्या रहेगा पाई बाय थ्री में वो रहेगा जेड एप्सिलॉन। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ये हो जाएगी जनरल सॉल्यूशन और ये हो जाएगा हमारे पास में प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, तो दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर पर मिलते हैं, जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 कवर करेगा। ओके, तो मिलते हैं थर्ड और फोर्थ की ओर, तब तक बने रहें ट्विटर केबिन पर, आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, हमारी एप्लीकेशन ट्विटर केबिन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।